दिस इज मोनिका दुआ। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस साल DU को टारगेट कर रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एग्जाम दे चुके हैं और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है अगर आप बेसिकली DU के नोट कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक किरोड़ी मल, SRCC, रामजस कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक सेफे स्कोर क्या रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप BA, BCOM, BSc किसी भी प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन के पेपर दिया होना बहुत मैंडेटरी है जिसका स्कोर बनता है 800। तो 800 में से अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका मेरी अकॉर्डिंग जो सेफेस्ट स्कोर रहेगा वो रहेगा 720 से 740। यानी अगर आपका 720 से 740 के बीच में या उससे ज़्यादा स्कोर आता है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के एडमिशन के लिए आपके लिए एक सेफेस्ट स्कोर है, यानी आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। यदि अगर आप BTech या BBA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता ही है एक लैंग्वेज प्लस GT प्लस एक डोमेन का एग्ज़ाम आपके लिए दिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड जिसका टोटल स्कोर बनता है 650। तो एज़ पर अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 650 में से जो आपका सेफेस्ट स्कोर रहेगा वो रहेगा आपका 600। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ बाकी की यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट के लिए भी। थैंक यू सो मच।